पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों आज 1 दिसंबर है और गुजरात में पहले चरण के चुनाव का आगाज हो चुका है। लोगों ने मतदान देने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचना शुरू कर दिया है। ऐसे में बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। कभी धांधली की खबर सामने आ रही है कि ईवीएम गायब हो गया है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो वहीं अब कांग्रेस ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। जी हां दोस्तों, इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी ने चंदे की धांधलेबाजी की है। बीजेपी को जो चंदा मिला है उसमें जानबूझकर घोटाला किया गया है, यहां पर इस पर सवाल खड़ा किया है और ईसी से यानी चुनाव आयोग से कांग्रेस ने इसकी शिकायत की है। देखिए हमारे पास जो खबर आ रही है दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले यह हुआ है कि कांग्रेस जो है वो ईसी के पास यानी चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची है और चंदे को लेकर उन्होंने बीजेपी को घेरा। अब बीजेपी को चंदा कितना मिला है जरा आपको वो भी बता देते हैं। देखिए बीजेपी को 2021-22 में केंद्र और कई राज्यों में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी को 614.53 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले हैं। कितनी बड़ी संख्या है समझ सकते हैं आप। अब इस पर सवाल खड़ी कर रही है कांग्रेस। दोस्तों देखिए यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी को मिले इस चंदे पर सवाल खड़े किए हैं कि अब चुनाव आयोग जो है वो यहाँ पर उनकी मदद क्यों कर रहा है, बीजेपी की मदद क्यों कर रहा है। देखिए यहाँ 6 गुना ज्यादा आप ये बोल सकते हैं कि बीजेपी को ये चंदा मिला है। अगर हम कांग्रेस और बाकी पार्टियों की तुलना करेंगे तो उनके मुकाबले में 6 गुना ज्यादा चंदा यहाँ पर मिला है। तो ये आखिर बीजेपी के पास इतना चंदा इकट्ठा कहाँ से हो रहा है, खासकर चुनाव आयोग के संज्ञान के बावजूद, या फिर आप बोल सकते हैं कि चुनाव के दौरान इतना ज्यादा चंदा उसके पास आखिर इकट्ठा कैसे हो रहा है, क्या इस पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। देखिए सवाल बिल्कुल खड़े होने चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर इन पैसों का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में सरकारें भी गिरी हैं। दोस्तों क्या सरकार गिराने में इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्या पार्टियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को लगाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये तमाम तरीके के सवाल विपक्ष इस वक्त पूछ रहा है बीजेपी से, गुजरात की सत्ताधीन पार्टी से, भाजपा से। हालांकि अभी आगे आने वाली सत्ताधीन पार्टी कौन होगी उसका चुनाव जनता करेगी, जनता चुनेगी कि कौन आएगा और कौन नहीं, लेकिन फिलहाल चंदे को लेकर बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। दोस्तों बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।